Let's see it. ये भी सफेद मंगाया तूने? सफेद कलर से आ रहा है क्या? एक हेलमेट ये मंगाया इस लड़के ने, ये भी सफेद है। ब्यूटीफुल हेलमेट दो, बहुत अच्छा पैटर्न है। ऐसा लग रहा है कि वो मार्बल की फ्लोर जो है यहाँ लगा दिया हेलमेट पे चिपका। ओ हो हो भाई, ये तो लड़की वाला है, लड़की वाला भाई, स्काई ब्लू कलर है। इससे बढ़िया पिंक ले लेता था, यही लड़की वाला कलर पसंद है। हम ऐसे चमकेगा ये रात में लाइट मार के। अच्छा ये है उसका मास्टर वाला, क्या नाम है इसका? आउटडोर मास्टर। इसका इसका हेलमेट ना सर पे बड़ा भी नहीं लग रहा। वो वाला भाई लगता है घर पे जो है तरबूज रख दिया। नहीं ये इसका लुक अच्छा है, मतलब ये वाला दिखाओ तेरे को पहन के, ये लगता है तरबूज जैसा। अब देखो ये, देखो भाई, लुक एट दिस, दिस इज लाइक तरबूज ब्रो। No bro, that's good protection. Protection, ये देख क्या है वाला जो हेलमेट है, और ये वाला ये कॉम्पैक्ट है, देख समझ रहे हैं, डिजाइन कॉम्पैक्ट है उसका। Although this is pretty solid though, I like it. Way better than the other helmet I chose. अभी दिखेंगे भाई साहब इस बार पूरे स्लोप्स में स्कीइंग के। अब मैंने भी एक और हेलमेट मंगाया है, चौथा हेलमेट आ रहा है हमारे घर में। ये तीन हेलमेट होते हैं, पांचवा तीन मंगा रहे, मेरे दो है। अच्छा दर्द जाओ, मैंने दो मंगाया ना भाई, ऐसे चार हेलमेट मंगा लिए हमने, उसमें से दो चूज कर लेंगे, सैटरडे को आ रहा है, बाकी दो कर देंगे रिटर्न। ये हेलमेट नंबर टू रेट्रो, ये मास्टर वाला है ना, आउटडोर मास्टर। ये तूने जो पहना है वो कौन सा है? रेट्रो, वो सिंपल सा है। कौन सा वाला? वो वाला। हाँ मतलब ये तो प्लेन है, ये तो चपटा है, इसमें कुछ सिंपल उसका कलर, कलर वही मैं कह रहा हूँ, कलर इसका अच्छा है। हाँ। शायद फिटिंग मेरे को समझ नहीं आई इसकी फिटिंग, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, अटक रही है, सर अटक रहा है मेरा, इसमें कुछ ज्यादा रखा है। दोनों हेलमेट खुलेंगे ना जैसे तू यूज करेगा, खोपड़ी खुल जाएगी तब तक, जब तक ये खुल पाएगा। यहाँ कुछ ये अटक रहा है, ये अरे उसकी फिटिंग मेरे को ज्यादा सही आएगी इससे, और उसको रिटर्न करने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो अमेज़न ये है ना, आउटडोर मास्टर, तो आउटडोर मास्टर से मंगाया। असली डब्बा अब खुलेगा भाई साहब, हां को दे दे, चाकू की हमें सख्त जरूरत है। डीसी कॉमिक्स, लेट्स डू इट। देखो कलर गलत ना भेज दिया इन लोगों ने, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। साइड से दिख रहा है क्या? नहीं वहां पे वो स्टिकर लगा, हां वो ग्रे वाला कलर ऑर्डर किया था। नहीं नहीं डायल लेस सिस्टम है। वो 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 बोले जाए ना पूरी, और इसमें तुम अपने मन से टाइट कर सकते हो, अंदर वाले के फीते अलग, बाहर के फीते अलग। गुड स्टफ, मतलब उसको पहन के देखना पड़ेगा, टाइट होना चाहिए एकदम, अगर टाइट नहीं हुआ ना तो भाई साहब स्नोबोर्ड ऐसा वैसा जाएगा इसके ऊपर ही। Alright, let's see. Good job. Yeah, pretty cool. भाई स्क्रैच मार रहा है तू, यहाँ पे आ जा, स्नो पे ऐसे ना, यहाँ पे लोग स्टार्स लगा देते, कुछ लगा देते हैं, तू ऐसे पैर रखेगा तो स्लिप ना, वैसे स्लिपरी है नहीं है सर। नहीं ना, चिकना एकदम। स्लिपिंग सर है, कलर मैच कर रहेगा? कर रहा है भाई एकदम, येलो से येलो कुछ तो कहीं मैच कर रहा होगा। हाँ ग्रेश ब्लैकिश व्हाइट, हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। जू जू रेडी हो गया है, बस स्की की और इंतजार है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अगले दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हो गई और हम जा रहे हैं आज जिम। पिछली बार जो हमने जिम जाने पे गलतियां की थी और जिन गलतियों से सीखा था वो हमने इस बार करेक्ट करने की कोशिश पूरी की। इस बार पानी की बोतल रख ली है और लॉक भी रख लिया है, बताया था आपको कि लॉक अपना रिजर्व था, लॉक के साथ सुबह सुबह कांड ये हुआ। पहले तो मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मुझे जब मिला वो लॉक, क्योंकि मैं जिम के लिए यूज़ करता था, साल भर हो गया जिम के, जब मुझे वो मिला तो भाई मेरे को उसका कोड ही नहीं याद आ रहा। वो कोड वाला लॉक है जिसमें एक 3-6 लेटर का एक कोड कॉम्बिनेशन डालना पड़ता है, तब जाके आपको वो खुल पाता है, 6 नंबर्स का, वो मैं नंबर ही नहीं याद मेरे को। तो मुझे बहुत पुराने गूगल फोटोज में ढूंढा तो मुझे बैकअप में कहीं जाके एक फोटो मिला जिसमें कि उसका कोड था, सो थैंकफुली वी हैव दैट नाउ। एनीवे जिम की तरफ बढ़ते हुए नौजवान, सुबह सुबह तो इस तरीके से पहले जो है टेम्परेचर चेक कराना पड़ता है, यहाँ पे एंट्रेंस पर ही जो है टेम्परेचर चेक कर लेते हैं टाउ लगा के उसको। लकीली आज तो सही था, कल का बता दें। एंड लुक एट दिस एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया बास्केटबॉल कोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब कन्वर्ट हो चुका है जिम में, जिम का सारा सीन हो गया। यहाँ पे मशीनें डाल दी पूरे में, इधर भी पूरे में अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन सब में मशीनें डाल दी ताकि जगह बचे थोड़ी सी, मतलब बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए वर्कआउट करते टाइम भी, इसलिए उन्होंने पूरे में जिम में मशीनें फैला दी हैं, ताकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं। आज भाई साहब हम आ रहे हैं चेस्ट और शोल्डर, चेस्ट का वर्कआउट थोड़ा सा शुरू कर दिया, वार्म अप किया है अभी हमने, और अब हम मारने वाले हैं सामने देख। इकलौती ऐसी चीज़ है, इकलौती की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक ये चीज़ भी है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस की थी,
ये वाली मशीन कह लो या कुछ भी कह लो, इट्स लाइक अ वियर्ड सिस्टम, इसमें कुछ पुली वगैरह नहीं है बट फ्लैट पैंट्स की तरह ये काम करती है, जस्ट पुश इट लाइक दिस, इट्स रियली गुड, फील्स रियली गुड। सब हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा साफ़ करनी पड़ रही है, इतनी साफ़ सफाई मैंने अपने घर में कर ली होती ना तो चमचमा रहा होता आज, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती ज़िंदगी की। एंड ऑफ अ ब्यूटीफुल डेज वर्कआउट, आज का वर्कआउट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, आज हमने काफ़ी दिनों बाद में अच्छा अच्छा शोल्डर मारा है, इसकी काफ़ी खुशी है हमें। इसके बाद हमें जाना है ब्रेड उठाने क्योंकि हमारे घर में फिर से कोहराम है, ब्रेड खत्म हो गई है और ब्रेड ही हम खाते हैं आपको पता है, सो वी हैव टू पिक दैट अप। उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर और अब काम भी करने, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे मॉर्निंग ऑलमोस्ट वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो गए, 9 बजने वाला है, सो वी हैव टू बी देयर बिफोर 9। चीज़ें इन प्लेस थी, आज मैंने जो है सारी चीज़ें रख ली थी, पानी, लॉक, ये वो सब चीज़ें था, बैग, बट मैं इकलौती चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर से भूल गया, वो है प्रोटीन। प्रोटीन रखना ही भूल गया मैं क्योंकि पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक चाहिए थी और भी यहाँ से घर तक जाने में ऐसे 10-15 मिनट लग जाते हैं, वैसे कुछ बुरा नहीं बट आई थिंक सूनर द बेटर, दैट्स व्हाट आई थिंक, सो प्रोटीन भी लाना पड़ेगा अगली बार। काफ़ी शेडी है लेकिन आज धूप नहीं निकली अभी तक, और धूप तो छोड़ो अब जो है स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है, जैन का महीना ही ऐसा है कि हर हफ्ते में 5-6 दिन स्नोफॉल पड़ना ही पड़ना है, तो वही हो रहा है, अभी भी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है फिर से, एंड आई बिलीव कि इस पूरे वीकेंड जो है स्नोफॉल चलेगा। हमारे लिए अच्छा क्योंकि संडे को हम जा रहे हैं स्कीइंग, पहली बार अपना स्नोबोर्ड ट्राई करना है, जितना पाउडर मिलेगा स्लोप्स पे उतना बढ़िया है, पाउडर इज व्हाट वी नीड फॉर अ गुड स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग सेशन। पाउडर से मेरा मतलब ये नहीं है नाइसिल वगैरह, मेरा मतलब है स्नो पाउडर, जब पाउडरी होती है स्नो, पाउडरी तभी होगी जब टेम्परेचर बहुत कम होगा और फ्रेश स्नोफॉल होगा, होप कि वो हो जाए संडे को। स्नो स्टॉर्म आया था, उसने क्या किया कि यूजुअली स्नोफॉल ऐसे पड़ता है तो पेड़ों पे ऊपर से जो है स्नोफॉल दिखता है खूबसूरत सा, इसने भाई साहब पूरे में ऐसे थोप दिया है उसने, क्योंकि वो विंडी इतना ज्यादा था, वो शट शट पड़ रहा था सारी जगहों पे, तो ऐसा जो है पेड़ों पे और दीवारों पे जो है बड़े ऊटपटांग तरीके से स्नो चिपकी हुई है अभी, और उसके बाद टेम्परेचर लो था तो वहीं की वहीं चिपकी है, अभी तक ढंग से उतरी नहीं है वहां से। Up to Mr. Full. Whoa. ये windings है क्या इसकी? हाँ, पर इसमें slider windings है। Remove the winding any point of time. रबर उबर की है क्या सीन है इसका? नहीं भाई ये तो मेटल है पूरा। Made in Bulgaria. China से नहीं आया for a change. European माल। Finally इसकी आ गई है Mr. Sagar Full की और अब इनको assemble करने में लगे हुए हैं भाई साहब, और उसके बाद में संडे को होगा इस बार धमाल। तूने बाइंडिंग्स अलग से मंगाई या बाइंडिंग साथ में आई थी? बाइंडिंग साथ में आई थी बट ये ऐसी स्कीज है जिसकी बाइंडिंग तुम डिटैच इजीली कर सकते हो, इसमें स्लाइडिंग मेथड है जिससे ये डिटैच हो जाता है, जूता यहाँ अटक जाता है, तो इसमें ऐसे अटकेगा ना, ये बैक पोर्शन है जूते का, नहीं ये फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन ये भी लगेगा क्या अभी? यस, ये पूरा स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, ऐसे कैसे स्लाइड हो जाता है। Nice, looks perfect now. दोनों फिट कर दिए ना तूने? तो इसमें ऐसा जूता डालने का बस कड़क। वाइल जो है सागर भाई जो फिटिंग कर रहे हैं, हमारा चौथा हेलमेट भी डिलीवर हो चुका है फाइनली, तो सिलेक्शन का टाइम आ गया, सो लेट्स गेट इट। ब्लेड के दरवाज़े, ओह ये गॉट इट। यही अवेलेबल था, पार्ट डिजाइन की नहीं है, डिजाइन हो गई है। अच्छा वो बताया फिटिंग कैसी आ रही है? हवा आने जाने के लिए, ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो बढ़ेगी नहीं, इतनी मेहनत तुम करते नहीं है। ओ जूते लगा लिए, नाइस, अब ये हो गया ना परफेक्ट, पहन के देख ले मैं तो बोलूंगा। और बाहर थोड़ी बर्फ भी पड़ी आज, हैंड टू हैंड ट्रायल भी हो जाएगा थोड़ा से इधर से उधर करके, मैं रस्सी बांधूंगा तेरे को वापस खींच लूंगा वहां से जाके। Nice. Like a black and white version हो गया इधर, बढ़िया हो गया ये। Yes. Nice. पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लड़कों को वहाँ पे पोल पे। Oh, this you crazy mother.